हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश यूनिट 2। इन दिस लेसन इट इज अ स्टोरी ऑफ बिस्मिल्ला खान, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। वी आर ऑन पेज नंबर 23, पैराग्राफ नंबर 6। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. छोटी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अपने अंकल के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने लगे। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back. और जब ये कार्यक्रम पूरा हुआ तब वहाँ पे उस्ताद फयाज खान उसने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अगर तुम अच्छी तरह हार्ड वर्किंग करोगे तो तुम अपना कैरियर इसमें बना सकोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1913 और बाद में 1938 में इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ तो उस टाइम पे बिस्मिल्ला बिग ब्रेक, बिस्मिल्ला को बहुत अच्छा ब्रेक मिला, मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और रेडियो पे उस टाइम पे कोई प्रोग्राम नहीं आता था तो वो शहनाई, उसकी शहनाई बारी बारी सुनने को मिलती थी। ऑन पैराग्राफ नंबर 7, When India gained independence, वो जब भारत को आजादी मिली, on 15th August 1947, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्ला खान सबसे पहले इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन विद द शहनाई और उसको शहनाई से लोगों का अभिवादन करने का मौका मिला। He poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort. और Red Fort जो लाल किला है वहाँ से उसको राग काफी बजाने का मौका मिला टू ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हु उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, हु लेटर गेव इस फेमस ट्रेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच और बाद में उसने अपनी डेस्टिनी स्पीच भी दी। नाउ पैराग्राफ नंबर 8, बिस्मिल्ला खान has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्ला खान ने सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में और विदेश में सब जगह उसने बड़ा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। His first trip abroad was to Afghanistan. उसकी सबसे पहली ट्रिप थी अफगानिस्तान, where King Zahir Khan was so taken in by the maestro. Here taken in by means attracted or charm, इतना उसके मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे उसकी शहनाई सुन के, तो उसे प्राइसलेस बहुमूल्य पर्शियन कारपेट दी एंड अदर सोविनर्स। सोविनर्स मीन्स हियर थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट। अगर किसी को इवेंट में दिया जाता है इनाम भेंट तो उसे सोविनर्स बोलते हैं। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. इसका कहने का मतलब ये कि अफगानिस्तान के राजा ही उससे मोहित नहीं हुए थे, उस टाइम के फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो वाज सो इम्प्रेस, वो भी इतने इम्प्रेस हो गए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड इस नेम्ड ए फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उसका म्यूजिक सुन के उसने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। द नाउ नेक्स्ट पेज, द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कम्पोजिशन, उसमें एक बिस्मिल्ला खान का कम्पोजिशन सॉन्ग भी था शहनाई का, और सॉन्ग के दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग फिल्म्स। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस
इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, सेल्युलॉइड वर्ल्ड मीन्स फैशन वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म का जो होता है फैशन, पुराने जमानों की फिल्म, उसको सेल्युलॉइड बोलते हैं। बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू, बिस्मिल्ला खान का वेंचर सिर्फ दो फिल्मों तक सीमित रहा। क्यों? एक तो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स सन्निधि अपना, आई जस्ट कांट अप टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म। बिस्मिल्ला खान बोले कि मुझे ये फिल्मों की आर्टिफिशियलिटी, काल्पनिकता एंड ग्लैमर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो दो फिल्मों तक सीमित रहे, बाकी आगे की फिल्म उन्होंने नहीं बनाई और आगे की फिल्मों में वो नहीं गए अपने इच्छा से। वेंचर मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्किंग, इन्वॉल्व्स रिस्क उसके बोलते हैं।